नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको AIBE मींस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने आने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है AIB 2020 का, अगस्त 2020 में जो भी एग्ज़ाम होनी है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें। बात करते हैं AIBE की एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये सबसे ईजी एग्ज़ाम होती है, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होगी। इसमें आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बुक्स लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी बुक्स लेकर के जानी है वो आगे आपको मैं बताऊंगा सिलेबस के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल सेंटर पर प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, आपको खुद को ही लेकर के जाना है। इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखें कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसमें 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 पासिंग मार्क्स हैं। आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन उसमें सही अटेम्प्ट करने ही होंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप चाहे 40 मार्क्स लेकर के आएँ, चाहे 99 या फिर 100, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा, उसमें आपके परसेंटेज नहीं लिखे जाएंगे। वहाँ पर केवल इतना लिखा जाएगा कि आपने वो एग्ज़ाम पास की है, आपके रोल नंबर ये थे, तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज आपके कितने आएंगे वो मायने नहीं है, केवल आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है और पास करने पर ही आपको फोकस करना है। तो अब उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस देख लें, और उसके बाद में आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन सी बुक्स लेकर के जानी है। दोस्तों, इसमें टोटल 90 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आप देख लें। कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉज, लॉ ऑफ टोर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसके अलावा लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ और प्रॉपर्टी लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट और लास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो ये टोटल 90 पॉइंट्स हैं, इनमें से ही पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको एकदम सटीक अगर बताऊँ तो इसमें से आपको स्टडी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, फैमिली लॉ, एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एडवोकेट्स एक्ट। केवल आपको इतना ही इसमें पढ़ना है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एकदम डायरेक्ट पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे से पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट बताया गया है, तो वो राइट किन किन को प्रोवाइड करवाया गया है, और उनमें से आपके ऑप्शंस हैं ये चार। फर्स्ट, इंडियन सिटीजन्स को। सेकंड, सभी पर्संस को, मेल को। फोर्थ, उसमें फीमेल को। तो इस तरीके से आपको जब ये चार ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं तो आपको बेयर एक्ट ओपन करना है।
उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लोज 1 में देखना है तो उसमें आपको एक सिटीजन वर्ड दिखाई देगा, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस तरीके से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम में कोई बुक लेकर के नहीं जानी है, बल्कि आपको बेयर एक्ट से लेकर के जाने हैं। दोस्तों बेयर एक्ट में केवल एक सटीक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसमें केस लॉज मिलेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए आप मेरी सलाह माने और बेयर एक्ट लेकर के जाएं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपना बैग भर के बुक्स लेकर के जाते हैं फिर भी वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इससे गुजर चुका हूँ, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। और मैंने एग्ज़ाम जब दी थी तो उस टाइम मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उसमें बेयर एक्ट में से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आपने अगर, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपने अगर लॉ करते हुए एक दिन भी अगर बेयर एक्ट को नहीं पढ़ा है तो भी आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। आपका माइंड ओपन होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो डायरेक्ट होगा। उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 19 में क्या है, किस राइट के बारे में बात की गई है। उसमें चार ऑप्शंस होंगे कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे डायरेक्ट। इसी प्रकार से ही आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एडवोकेट्स एक्ट, सब में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने आज तक भी स्टडी नहीं की है तो भी आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये तो थी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट बेयर एक्ट में से आपको पढ़ना है। और अगर आपने एक दिन भी नहीं पढ़ा है तो भी आप आसानी से पास कर लेंगे, लेकिन मेरी सलाह माने कि आप बेयर एक्ट लेकर के जाएं, बुक ना लेकर के जाएं। तो दोस्तों ये मेरी एडवाइस है आपको कि आपको इस तरीके से इसमें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ करके नहीं आना है। और अगर आपने डायरेक्ट बेयर एक्ट में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको अटेम्प्ट करके अगर आपने 40 से ऊपर अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो फिर आप मान के चलें कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छोड़े ना, सभी को अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में ही पास कर लें। लेकिन मैंने जो आपको एडवाइस दी है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। बुक्स अगर फिर भी आप लेकर के जाना चाहते हैं तो लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कितनी भी बुक्स लेकर के जा सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट ज़रूर लेकर के जाएं। और जो स्पेसिफिक मैंने आपको 6 से 7 बेयर एक्ट बताए हैं उनमें आप आसानी से 50+ स्कोर कर जाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी उस समय मेरे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई एक वीडियो भी उस समय अवेलेबल नहीं था इस बारे में जो बताए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स या फिर बेरेक्स आपको लेकर के जानी है। तो इसलिए मैं आपके लिए स्टडी करके डिटेल में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आई होप आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके।